चौथी लहर के पेश नजर सिंध हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन नाफिज कर रखा है, तो दूसरी जानिब टंडूवाला यार जिले इंतजामिया ने सिंध हुकूमत के अहकाम हवा में उड़ा दिए। डीसी ऑफिस के अकब में मवेशी मंडी सज गई, जिसमें एसओपीस की धज्जियां बखेर दी गईं। उस्मान कश्मीरी से मजीद जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, मैं इस वक्त टंडूवाला यार की मवेशी मंडी में मौजूद हूं। कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है उसने जहां पूरे सिंध को मुतासिर किया है, वहीं पे टंडूवाला यार में भी कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेज हैं उसमें इजाफा, दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। मैं आपको बता चलूँ, मैं इस वक्त मेन हाईवे पर मौजूद हूँ, और दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूँ, मेरे दाएँ जानिब जो है डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस मौजूद है, उनके बीच के अंदर ये टंडूवाला यार की जो मवेशी मंडी है वो चल रही है। अगर उसके बरक्स बात की जाए तो चंबड़ में भी लगने वाली मवेशी मंडी में लोगों की हज़ारों की तादाद मौजूद थी, मगर वहाँ पर भी कोरोना के ऊपर कोई भी ऐसी एसओपीज के तहत जो भी ज़िले हुकूमत की तरफ से जो भी एसओपीज के जारी की गई थी उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं कराया गया। अगर आज टंडूवाला यार की मवेशी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भी इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया की तरफ से एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए कोई भी ऐसा हमें इकदाम नज़र नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर कहा जाए कि ज़िले इंतजामिया बिल्कुल एक्टिव नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर ताजिरों का माशी कत्ल देखा जाए तो ताजिर बिल्कुल आज परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं कि आज की जो लगने वाली मवेशी मंडी में लोगों को मास्क कितने नज़र आ रहे हैं और आज की जो एसओपीज पर अमल जो दरामद है सोशल डिस्टेंस कितना नज़र आ रहा है। जी आप खुद देख सकते हैं टंडूवाला और चंबड़ की मवेशी मंडी जो लगी थी, ना तो उसमें कोई मास्क थे, सैनिटाइज़र थे, और ना टंडूवाला शहर की मवेशी मंडी के अंदर है। बराबर में एसएसपी साहब है, डीसी साहब है, डीसी वली मोहम्मद बलोच साहब कहाँ हैं आप? ठीक है, ताजिरों को आप भूखा मार रहे हैं, ताजिर कोई चोरी नहीं कर रहे, हलाल रोजी कर रहे हैं, आपने उनके शटर बंद कर दिए। किस कानून के तहत आप ये सिस्टम चला रहे हैं? शेर को क्यों तो रहमायार कर रहे हैं आप? शेरियों के साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? कहने का मकसद है इंतजामिया का काम है एक जैसा कानून हो, मवेशी मंडी है इनको भी वाइंड अप करें। जब दुकानें बंद है मवेशी मंडी भी वाइंड अप होनी चाहिए। अगर दुकानें खुली है एसओपीज पे वैक्सीनेशन तमाम चीज़ें यहाँ सिस्टम होना चाहिए, ना तो किसी के पास वैक्सीनेशन कार्ड है, ना सैनिटाइज़र है, ना मास्क है। आप दूसरी बात, सिविल हॉस्पिटल टंडूवाला यार के अंदर भी किसी के पास ना वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं मास्क नहीं है, उन लोगों के पास जो लगा रहे हैं उनके पास भी मास्क नहीं है। डीसी साहब को नज़र नहीं आता, डीएचओ को नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि अगर एहसास किफालत सेंटरों की बात की जाए वहाँ पर भी लोगों के चेहरों से मास्क गायब हैं। अगर डीएच के हेडक्वार्टर की बात की जाए वहाँ पर जो इंजेक्शन लगाने वाले जो अफराद हैं उनके भी चेहरों से मास्क गायब है। आज की जो लगने वाली मवेशी मंडी के भी आप बिल्कुल, मेरा कैमरामैन आपको मनाजिर दिखा रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, ना ही ज़िले इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं। जी